फ्रेंड वेलकम माय चैनल। सभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने कम कुल मिला के 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, 550 या 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये 500 तो पहले थे, अभी 600 हो गए। तो आप ये सारे वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कंपिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन भी दबा लीजिए। अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए, जिससे मैं को नए वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। ओके थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भाखड़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा परमाणु बम कब गिराया? 6 अप्रैल 1945 को। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव का वोट कौन डालता? संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली कल्पीय रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथीराम गोडसे ने की थी। ठीक है, जिसे बीजेपी, एक आपको बता दूं, बीजेपी अपना परम हितैषी मानती है, वही अपने देश के राष्ट्रपिता को मारा था। मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म में संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक, हीरा कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ठीक, भारत का शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन अशोक चक्र। ठीक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ? करनाल हरियाणा। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ठीक, 1926, 1956, 1971, 1973 युद्ध किस नगर पे है? हरियाणा के पानीपत का युद्ध। ठीक, हाल ही में किस राज्य ने से अलग करके तेलंगाना नया राज्य बना है? आंध्र प्रदेश। ठीक, भारत में पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? पेरिस फ्रांस में। और आपको एक चीज़ बता दूं, भारत में यूनेस्को की कितनी विश्व धरोहर अब कुल मिला के हो चुकी हैं? कुल मिला के 37 हो चुकी हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1945-95 में। ठीक है, शिक्षा का फेयर गार्डन पद्धति किसकी देन है? फ्रोनोल। ठीक है, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? 1961 में। ठीक है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? अकबर के। ठीक, एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? अकबर के। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खां। प्रसिद्ध पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। ठीक है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। ठीक है, रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। और रूस की राजधानी का मास्को, ये ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी शब्द का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? लोथल। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तो चलिए थैंक यू, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय।